की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी मानदेय वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों के दो महीने का जो बचा हुआ मानदेय और था वह भी आ गया है। तो जो भी आवश्यक सूचना है इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बता दें कि एक महीने का मानदेय आपका आंदोलन करने के टाइम पे आ गया था आंदोलन के बाद, लेकिन जो दो महीने का बकाया मानदेय राशि थी अब वह भी आ गई है। दो महीने का मानदेय सभी का आ गया है बहनों, इसीलिए सभी लीडर बहनों से यह भी निवेदन है कि आप लोग अपने अपने परियोजना या फिर सेक्टर से सदस्यता जरूर ले लें एवं फंड इकट्ठा करें और राज्य केंद्र में इस चीज़ को जमा करें। हम बता दें बहनों कि यह जो 100-100, 200-200 रुपए का फंड रहता है, यह फंड इसलिए रहता है ताकि आपके जो आंगनबाड़ी एकता यूनियन के संघ के लोग होते हैं, जो आपके लिए आंदोलन करते हैं, आपकी लड़ाइयां लड़ते हैं, तो उनको भी वहां पे जो भी खर्चा आता है टेंट का, माइक का, उन सब चीज़ों के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से एक छोटा सा फंड भी देना पड़ता है जो कि राज्य या केंद्र में जमा करते हैं, जिससे आगे की लड़ाई बहनों लड़ी जा सके, जिसके लिए आपको भी फंड जमा करना जरूरी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन C2 यह जिला रीवा की तरफ से अभी का निवेदन है। हम बता दें बहनों कि संघर्ष फंड 2023 का बढ़ा हुआ जो मानदेय है, जिसमें कार्यकर्ताओं का 3,000 रुपये बढ़ा था, सहायिकाओं का 1,500 रुपये बढ़ा था तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का भी 1,500 रुपये बढ़ा था, उसमें से मात्र 400 रुपये कार्यकर्ता, 200 सहायिका तथा 200 मिनी कार्यकर्ता से संघर्ष फंड लेना है एवं 100 रुपये में ही आप लोगों की सदस्यता हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे का भी नंबर दे दूंगा, जहां पर आप जाके और फंड के लिए 100 रुपये सदस्यता का आप वहां पे जमा करवा सकती हैं बहनों। और जितने बहनों के द्वारा वह फंड का पैसा सदस्यता के लिए जमा होगा वह एकता यूनियन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही जिन जिन बहनों के द्वारा फंड दिया जाएगा उनका भी नाम हम अगले वीडियो में मेंशन करके दिखा देंगे कि ये बहन इस गांव की कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा सदस्यता लेने के लिए यह 100 रुपये का जो फंड है वह दिया गया है। तो बहनों, मानदेय आ गया है तो एकता यूनियन आपकी लड़ाई लड़ती हैं, जिसके लिए आपको फंड जमा करना तथा सदस्यता लेना भी जरूरी हो जाता है। तो टोटल जब आपका एक महीने का पहले और दो महीने का अभी मानदेय आ चुका है, मतलब टोटल 3 माह का मानदेय आपको मिल चुका है, तो फिर वहां पे 400 रुपये की जो आपका फंड का है 100 रुपये सदस्यता का देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी बहनों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ़ोन पे नंबर पे बहनों आप सदस्यता का वहाँ पे 100 रुपये की सदस्यता आप पैसे भेज के वहाँ पे ले सकती हैं, उसका स्क्रीनशॉट सहित हम अगले वीडियो में आपको नाम भी मेंशन करके बता देंगे। तो बहनों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकती हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में बहनों, तब तक के लिए नमस्कार।